रमजान के पाक महीने के बाद ईद का त्योहार तो आ गया, लेकिन इस साल ईद पर सड़क पर रौनक देखने को नहीं मिलेगी। ईदगाहों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जारी लॉकडाउन के दौरान अब मुस्लिम धर्मगुरुओं ने समाज के लोगों से घरों पर ही रहकर नमाज अदा करने की अपील की है। हालांकि प्रशासन ने भी लॉकडाउन को देखते हुए मुस्लिमों से घर पर ही नमाज अदा करने की अपील की थी, लेकिन अब मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी अपनी सामाजिक भागीदारी निभाते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों से घरों पर ही ईद की नमाज पढ़ने की अपील की। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। ये जैसे कि हमारे मुल्क में इस वक्त लॉकडाउन फोर चल रहा है, उसी बीच में कल को ये ईद उल फितर का त्यौहार है, तो हमने पहले ही ऐलान कर दिया है कि लॉकडाउन को देखते हुए इस साल ईदगाह में ईद की नमाज नहीं होगी। सभी लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें। उसके लिए पूरे विस्तृत से गाइडलाइंस दारुल उलूम देवबंद से और जमीयत उलमा हिंद की तरफ से आ चुकी है कि किस तरीके से लोग अपने घरों में नमाज अदा करें। वो गाइडलाइंस पढ़ लें सब लोग और उसके हिसाब से अपने घरों में लॉकडाउन का पालन करते हुए नमाज अदा करें। घरों में भी इस बात का ख्याल रखें कि सारे लोग एक जगह इकट्ठे ना हों, दो दो चार चार पांच पांच आदमी कहीं हैं तो वो अपनी नमाज पढ़ लें। और जो ईद मिलने के लिए लोग एक दूसरे के घर जाते हैं उसमें भी आपके थोड़ा सा एहतियात बरतें, एक दूसरे के घरों पर ज्यादा ना जाएं। ज्यादातर आम आदमी फोन के जरिए मुबारकबाद दे सकता है और जितने भी हमारे मेडिकल के लोग या हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हिदायत दी जा रही है उन सबको हमें मानना है, मानते हुए ईद उल फितर का त्यौहार मनाना है। और ईद उल फितर का त्यौहार ही बहुत ही सादगी के साथ मनाना है, कोई शोर शराबा हो अल्लाह उसके अंदर बिल्कुल नहीं करना। खासतौर पर दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह ताला हालात बेहतर करे और आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जिस जोश खरोश के साथ हम लोग ईद मनाया करते थे इंशाल्लाह आने वाले सालों में उसी तरीके से ईद की नमाज अदा हो। इस साल सभी लोग लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस का पालन करें।